हेलो इंजीनियर्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे एसएससी जेई मेंस की कॉपी को और मैंने क्या क्या छोटी छोटी गलतियां की जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एसएससी जेई में, और कैसे ये छोटी छोटी गलतियां मुझे बहुत भारी पड़ी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एसएससी जेई प्रीलिम्स है, मुझे कितने मार्क्स आते हैं उसको समझ लेते हैं। तो ये है मेरा रिजल्ट एसएससी जेई 2019 का प्रीलिम्स का। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो मुझे टोटल स्कोर आए थे वो आए थे 121.5 मार्क्स, और नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे जो मेरा फाइनल स्कोर हो गया था वो हो गया था 127.78, जिसमें से मुझे यहाँ पे 34.5 मार्क्स मिले थे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में, 40.25 मार्क्स मिले थे जनरल अवेयरनेस में, और 72.75 मार्क्स मिले थे मुझे जनरल इंजीनियरिंग में। तो ये था मेरा प्रीलिम्स का रिजल्ट, और ये है मेरा मेन्स का आंसर कॉपी। तो यहाँ पे जो मुझे मेंस में मार्क्स आए हैं वो आए हैं 169, यानी कि यहाँ पे जो टोटल मार्क्स ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 127 मार्क्स, प्लस यहाँ पे हमारा 169 मार्क्स आया था। तो यहाँ प्रीलिम्स और मेंस के मार्क्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे तो जो टोटल मेरा मार्क्स आया था वो आया था 296 प्रीलिम्स और मेंस का मिला के। और जो यहाँ पे हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कट ऑफ मार्क्स गया था वो कितना गया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे जो हमारा कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो था 315.55, और मैं अनरिजर्व कैटेगरी को ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी एलिजिबल नहीं था। और यहाँ पे जो हमारा फाइनल कट ऑफ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद वो कितना गया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे फाइनल कट ऑफ गिवन है आपके सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और यहाँ पे कैटेगरी वाइज। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको डिपार्टमेंट दिखा देता हूँ। तो देखिए डिपार्टमेंट्स में जो पोस्ट कोड बी है वो है जूनियर इंजीनियर बीआरओ में, फिर कोड डी है जूनियर इंजीनियर सेंट्रल ऑर्डर कमीशन में, और कोड एफ है जूनियर इंजीनियर सीपीडब्ल्यूडी में। तो यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स आए थे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी की बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था वो कितना गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद 319 मार्क्स ही गया था बीआरओ डिपार्टमेंट में। फिर सेंट्रल वाटर कमीशन में जो अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गया था वो गया था 356.28 मार्क्स, और यहाँ पे जो सीपीडब्ल्यूडी के लिए कट ऑफ गया था अनरिजर्व कैटेगरी का वो गया था 362 मार्क्स। यानी कि अगर मुझे सीपीडब्ल्यू डिपार्टमेंट चाहिए होता था तो मुझे यहाँ पे कितने मार्क्स चाहिए थे 362, उसमें से हम माइनस करेंगे, मेरे को कितने आए थे 296। तो यहाँ पे मुझे 66 मार्क्स एक्स्ट्रा चाहिए थे अगर मुझे सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन चाहिए था। तो अगर मुझे यहाँ पे बीआरओ में सिलेक्शन चाहिए था तो देखिए बीआरओ का कट ऑफ कितना गया था 319 गया था, यानी कि यहाँ पे मेरे को सिर्फ 25 मार्क्स अगर मिल जाते तो मेरा यहाँ पे बीआरओ में भी सिलेक्शन हो जाता, और 66 मार्क्स मिल जाते मुझे तो मेरा यहाँ पे सीबीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो जाता था। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ मेरा एसएससी जेई के मेंस का आरटीआई कॉपी, जिसमें मेरा ईजिली 70 to 80 मार्क्स मुझे मिल जाते हैं अगर मैंने छोटी छोटी गलतियाँ नहीं की होती। तो 70 मार्क्स अगर मुझे मिल जाते हैं तो मेरा इसलिए सीपीडब्ल्यूडी में सिलेक्शन हो जाता। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ क्या है मैं आपको दिखाता हूँ मेरे एसएससी जेई के मेंस से कॉपी में। तो मैं यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा। ये है लेफ्ट साइड में है हमारे टॉपर का आंसर शीट और राइट साइड में है मेरा आंसर शीट। तो यहाँ पे देखें जो टॉपर को मार्क्स आए थे वो आए थे 235 मार्क्स, और मुझे यहाँ पे जो मार्क्स आए थे वो आए थे 169 मार्क्स। तो देखिए टॉपर ने भी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को स्किप किया है और मैंने भी यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को स्किप किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन वाइज एनालिसिस करते हैं हमारे टॉपर के आंसर शीट का मेरे आंसर शीट के साथ। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन आया था हमारा वो आया था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स। यहाँ पे जो हमारे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हैं हमको उसकी प्रॉपर्टीज को लिखना था। तो यहाँ पे देखिए टॉपर ने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, टॉपर्स ने यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, और इसको यहाँ पे 15 में से एग्जामिनर ने 10 मार्क्स दे दिए हैं। और मेरा देख लेते हैं। तो मेरा देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 15 पॉइंट्स लिखे हैं, और यहाँ पे भी मुझे एग्जामिनर ने 15 में से 10 मार्क्स दिए। ये डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर कि वो आपको कितने मार्क्स देता है थ्योरी क्वेश्चन में, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन थ्योरी में पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे पूरे 15 पॉइंट्स लिखे थे, फिर मुझे यहाँ पे सिर्फ 10 मार्क्स मिले। जैसा कि देखिए मैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखा था कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोर देन 10 न्यूटन पर mm², तो यहाँ पे इसने सिर्फ यहाँ पे क्या लिख दिया 10.5 लिख दिया। तो यहाँ पे दोनों की फर्स्ट पॉइंट तो सही थे। तो यहाँ पे देखिए इसने सेकंड पॉइंट लिखा है 20% से कम होना चाहिए हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए, मैंने भी वहाँ पे वही लिखा है, लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर को शायद से ये जो परसेंटेज साइन है वो प्रॉपरली दिखा नहीं होगा। यहाँ राइटिंग में मैटर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत चीज़ें अच्छे से लिखना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेरी राइटिंग लिख लीजिए और ये जो टॉपर है वो इसकी राइटिंग लिख लीजिए। तो यहाँ पे राइटिंग नहीं मैटर करती, आपने क्या पॉइंट्स लिखे हैं वो मैटर करता है। तो मैंने भी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में सारी चीज़ें लिखने की कोशिश की क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टाइम कम होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने डायरेक्ट यूनिफॉर्म कलर लिख दिया, कॉम्पैक्टेड गेन इन ब्रिक्स लिख दिया, प्रॉपर मॉड्यूलर साइज इज मेंटेन, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख दी। फिर यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, उसको देखते हैं। फिर यहाँ पे जो बी पार्ट था वो था स्टेट द क्वालिटीज यू विल कंसिडर इन सेलेक्टिंग टिम्बर फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। तो यहाँ पे जो हमारा टिम्बर है उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमको लिखनी थी। देखिए यहाँ पे टॉपर ने 7 पॉइंट्स लिखे हैं और इसको यहाँ पे 10 में से 6 मार्क्स मिल गए हैं। फिर यहाँ पे मेरा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने 12 पॉइंट्स लिखे थे, फिर भी मुझे यहाँ पे 10 में से सिर्फ 5 मार्क्स ही मिले हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिटेल में लिखा था, इलास्टिसिटी, ड्यूरेबिलिटी, टेक्सचर, कलर, और उसको मैंने यहाँ पे शॉर्ट में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लेकिन इसने यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं लिखा। इससे यहाँ पे इट शुड भी इजिली अवेलेबल, इट शुड भी चीप, ये सारी चीज़ें तो आती ही नहीं है। इजिली अवेलेबल का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। चीप यहाँ पे ठीक है, ये 4th पॉइंट भी सही है, सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। फिर देखिए यहाँ 6 पॉइंट में भी इसने शुड भी ड्यूरेबल लिख दिया। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ भी लिख दिया, फिर भी इनको यहाँ पे 6 मार्क्स मिल गए। और मैंने यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें एकदम डिटेल में लिखी थी। सुटेबिलिटी, ग्रेन कैसा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, मॉइस्चर कंटेंट 12% होना चाहिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंट होना चाहिए, फंगाई रेजिस्टेंट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स होने चाहिए, फ्री फ्रॉम स्ट्रेन्स होने चाहिए। यहाँ पे मैंने 12 पॉइंट्स लिखे थे, फिर भी मुझे यहाँ पे सिर्फ 5 ही मार्क्स मिले। तो ये एग्जामिनर टू एग्जामिनर डिपेंड करता है वो कि वो आपको थ्योरी में कितने मार्क्स देने वाला है। फिर यहाँ पे हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी क्वेश्चन क्या था, द लेंथ ऑफ लाइन मेजर्ड विद 20 मीटर चेन वाज फाउंड टू बी 250 मीटर, कैलकुलेटेड ट्रू लेंथ ऑफ लाइन इफ द चेन वाज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आपको इजीली यहाँ पे 15 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे इसी पे आपको क्या लिखना था, ट्रू लेंथ इज इक्वल टू लॉन्ग लेंथ अपॉन करेक्ट लेंथ इनटू मेजर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट लेंथ आ जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट। तो देखिए मैंने भी वही किया है और मुझे भी यहाँ पे पूरे 15 में से 15 मार्क्स मिल गए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 डी में क्या था, द फॉलोइंग आर द बेरिंग्स वर ऑब्जर्व्ड विद द कंपास, कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स। यानी कि यहाँ पे हमको बेरिंग्स दिए थे और इसकी डायग्राम को हमको ड्रॉ करके यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था 20 मार्क्स का, और ये जो हमारा टॉपर है इसको यहाँ पे 20 में से 20 मार्क्स मिले। देखिए यहाँ पे 20 में से 20 मार्क्स मिले। अब यहाँ पे मैंने क्या किया वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट में देखिए यहाँ पे हम मुझे कितने मार्क्स मिले, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए यहाँ पे मेरा 0 मार्क्स मिले। यहाँ पे डायरेक्टली एग्जामिनर ने यहाँ पे क्रॉस साइन कर दिया। अब इसमें मेरी गलती क्या होगी, सिर्फ एक छोटी सी गलती होगी जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे पूरे 20 में से 20 मार्क्स चले गए, यानी कि यहाँ पे मुझे 0 मार्क्स मिले। तो वो छोटी गलती क्या मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सारी 4 बेरिंग्स गिवन थी, तो 4 बेरिंग से मैंने यहाँ पे बैक बेरिंग को कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल कैलकुलेट करना था। तो देखिए मैंने इंक्लूडेड एंगल भी एंगल ए मैंने कैलकुलेट किया। तो एंगल ए कितना है मेरा 59.30 डिग्री। फिर यहाँ पे देखिए इसने कैलकुलेट किया तो इसका इंक्लूडेड एंगल कितना है, देखिए यहाँ पे इसने किया है EAD, तो यहाँ पे 59.30 डिग्री आया। फिर यहाँ पे मैंने किया एंगल बी कैलकुलेट, तो मेरा एंगल बी कितना है 118.30 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए इसका एंगल कितना है बी 130 डिग्री, तो यहाँ पे बी एंगल भी मेरा करेक्ट था। फिर यहाँ पे एंगल सी देखिए मेरा कितना आया 174 डिग्री, और यहाँ पे इसका एंगल सी कितना आया 256 डिग्री। तो ये जो 256 डिग्री और यहाँ पे मेरा कितना है 274 डिग्री, तो यही में से गलती हो गई। क्या गलती हो गई मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 320 डिग्री लिखा है, जबकि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है बैक बेरिंग 302 डिग्री, यानी कि सिर्फ यहाँ पे मैंने 302 के जगह पे क्या लिख दिया 320 लिख दिया, जिसकी वजह से जो मेरा एंगल सी है वो क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। और देखिए यहाँ पे मेरा एंगल डी कितना है 20 डिग्री 30 सेकेंड, और यहाँ पे देखिए इसका एंगल डी कितना है 20 डिग्री 30 सेकेंड। फिर देखिए एंगल ई इसका कितना है 85 डिग्री 30 सेकेंड, और मेरा भी देखिए 85 डिग्री 30 सेकेंड। तो ये सम ऑफ एंगल जब हम करते हैं तो यहाँ पे जो सम आता है वो आता है 540 डिग्री। तो यहाँ पे सिर्फ हमको यहाँ पे ओके लिखना था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 302 की जगह पे 320 लिख दिया। उसकी वजह से ये जो मेरा एंगल सी है वो क्या आ गया, रॉन्ग आ गया। तो रॉन्ग आने की वजह से जब मैंने इसको ऐड किया तो मेरा आंसर कितना आया 558 आया। तो आपको पता है 558 आने के बाद क्या करते हैं, हम इसको करेक्शन करते हैं और इक्वली डिवाइड करते हैं करेक्शन को। तो मैंने यहाँ पे वही किया और यहाँ पे करेक्टेड एंगल को फाइंड आउट किया। लेकिन मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, सिर्फ छोटी सी गलती, जिस वजह से मेरे यहाँ पे पूरे 20 मार्क्स चले गए। अगर मैं यहाँ पे सही लिख देता, 302 डिग्री लिख देता, तो इसको जब मैं ऐड करता तो मेरा 540 आता है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ओके लिख देता। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ ये एक छोटी सी गलती की वजह से मेरे यहाँ पे पूरे 20 मार्क्स चले गए। तो देखिए यहाँ पे मेरे 5 में से 4 एंगल करेक्ट थे और सिर्फ एक ही रॉन्ग था, फिर भी मुझे यहाँ पे स्टेप्स के कोई भी मार्क्स नहीं मिले। फिर अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के ए में हमको क्या फाइंड आउट करना था, डिस्क्राइब सिंकिंग फंड विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन, यानी कि यहाँ पे सिंकिंग फंड की डेफिनेशंस लिखनी थी और उसके क्या फॉर्मूलाज थे वो हमको लिखने थे विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन। तो यहाँ पे देखिए जो टॉपर था उसने सिर्फ यहाँ पे छोटा सा शॉर्ट फॉर्म में कुछ तो डेफिनेशन लिख दिया है जो कि सही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे इसने क्या लिख दिया, फॉर्मूला सही लिख दिया और इसको यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले के 3 मार्क्स मिल गए 10 में से। फिर यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, तो देखिए यहाँ पे डिस्क्राइब सिंकिंग फंड विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूएशन में मैंने यहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी सिंकिंग फंड की, फिर उसको यहाँ पे वैल्यूएशन के टर्म्स में एक्सप्लेन किया, फिर यहाँ पे एग्जांपल की हेल्प से उसको एक्सप्लेन किया। तो मेरे को यहाँ पे 10 में से 6 मार्क्स मिले। और मैंने यहाँ पे सिंकिंग फंड की यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं लिखा, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता तो शायद से मुझे यहाँ पे 8 मार्क्स मिल सकते थे। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 के बी का पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए डिटरमाइन द डिप्रिसिएटेड वैल्यू ऑफ कार हुज परचेज वैल्यू इज 5 लाख विद a scrap of 5,000 and its useful life is 10 years. Find out its book value after 5 years using straight line method. तो आपको ये straight line method तो पता ही होगा, एकदम सिंपल सा फॉर्मूला लगा के हमको यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे इसने बुक वैल्यू को सही से कैलकुलेट किया, इसलिए इसको यहाँ पे 10 में से 10 मार्क्स मिले। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर B में मैंने भी सेम फॉर्मूला से डिप्रिसिएशन को फाइंड आउट किया और यहाँ पे बुक वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट की, तो यहाँ भी मुझे 10 में से 10 मार्क्स मिले। फिर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सी, द इंसिटू परसेंटेज वर्ड ऑफ सैंड डिपॉजिट इज 34% फॉर डिटरमाइनिंग द डेंसिटी ड्राई सैंड फ्रॉम द स्ट्रेटम वाज फर्स्ट फील्ड लूजली इन अ 1 लीटर मोल्ड एंड देन वाज वाइब्रेटेड टू गिव मैक्सिमम डेंसिटी। द लूज ड्राई मास इज वॉल्यूम वाज 1610 ग्राम्स एंड द डेंस ड्राई मास वाज फाउंड टू 1980 ग्राम। Determine the density index if the specific gravity of the sand particle is 2.67. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना था, डेंसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना था, लेकिन यहाँ पे आपको वेट गिवन था और यहाँ पे आपको वेट के हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे देखिए टॉपर ने क्या किया है, टॉपर ने वही किया, यहाँ पे ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट किया, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम। तो मास गिवन था, वॉल्यूम गिवन था, यहाँ पे ड्राई डेंसिटी उसने कैलकुलेट कर लिया, फिर ड्राई डेंसिटी से इसने कुछ ई मैक्स की वैल्यू फाइंड आउट की और यहाँ पे इसने ऐसे कुछ करके यहाँ पे इसको सॉल्व किया है। इसने यहाँ पे ई मैक्स और ई मिनिमम की वैल्यू फाइंड आउट की है, फिर यहाँ पे डेंसिटी इंडेक्स फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे इसको 20 में से 20 मार्क्स मिले। तो मैंने क्या किया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे पता था कि यहाँ पे जो हमारा ई मैक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है, तो मैंने देखी आई डी का जो हमारा फॉर्मूला होता है ई मैक्स माइनस ई अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, तो मैंने वहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे डेंसिटी फाइंड आउट किया मास अपॉन वॉल्यूम करके और इसको मैंने डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला में पुट कर दिया और यहाँ से मैंने डेंसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर लिया जो कि हमारा सेम ही आया है। तो यहाँ भी मुझे 20 में से 20 मार्क्स मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत कुछ यहाँ पे कट कुट कर दिया है, फिर भी लेकिन यहाँ पे मेरा जो फाइनल आंसर था वो क्या था, करेक्ट था, इसलिए मेरे को यहाँ पे पूरे 20 में से 20 मार्क्स मिले हैं। तो आप यहाँ पे कुछ भी कट कुट करते हैं तो आपको उससे घबराना नहीं है, आपका जो आंसर होना चाहिए वो करेक्ट होना चाहिए, एग्जामिनर सारी चीज़ों को समझ लेता है। फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए डी में हमको क्या करना था, डिस्क्राइब द लोड सेटलमेंट कर्व इन प्लेट लोड टेस्ट फॉर डिटरमिनेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी, यानी कि यहाँ पे जो प्लेट लोड टेस्ट होता है आपको उसको डिस्क्राइब करना था और जो सेटलमेंट कर्व बनता है डेंस सॉइल लूज सैंड के लिए वो आपको ड्रॉ करना था और उसको एक्सप्लेन करना था। तो यहाँ पे टॉपर ने क्या किया, देखिए यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट के बारे में इसने थोड़ा सा यहाँ पे लिखा और यहाँ पे डायग्राम इसने यहाँ पे बनाया और यहाँ पे थोड़े बहुत पॉइंट्स लिख दिए, तो इसको यहाँ पे 20 में से सिर्फ 5 मार्क्स मिले हैं। और मैंने क्या किया वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट लोड टेस्ट को एक्सप्लेन नहीं किया, सिंपली जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था लोड सेटलमेंट कर्व को एक्सप्लेन करना, तो मैंने यहाँ पे लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व को बनाया और उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिख दिया और यहाँ पे मैंने उसके सारे फॉर्मूलाज लिख दिया एज पर शेयर क्राइटेरिया एज पर सेटलमेंट क्राइटेरिया। तो यहाँ पे मुझे 20 में से 14 मार्क्स मिले जो कि टॉपर से काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी तक के एनालिसिस में आपने देख लिया होगा कि मुझे यहाँ पे टॉपर से ज़्यादा ही मार्क्स आ रहे सभी चीज़ों में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 हमारे टॉपर ने स्किप किया है और मैंने भी क्वेश्चन नंबर 3 को स्किप किया है, तो डायरेक्टली जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, द स्पीड ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल्स आर 70 एंड 40 kmph If the acceleration of the overtaking vehicle is 0.9 meter per square meter, calculate safe overtaking distance of two-way traffic road. Assume the reaction time is 2 seconds. Assume any other relevant data. तो यहाँ पे आपको क्या करना था, आपको यहाँ पे safe overtaking side distance calculate करना था. ये जो क्वेश्चन था ये हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है जो कि हमारा SSC JE मेंस 2018 था, उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था. तो यहाँ पे जो टॉपर होगा उसने भी प्रैक्टिस किया ही होगा. तो उसने यहाँ पे देखिए करेक्टली इसको सॉल्व किया और उसको यहाँ पे 15 में से 15 मार्क्स मिले. तो उसने पहले यहाँ पे क्या किया, सारे kmph वैल्यू को मीटर पर सेकंड में कर दिया. उसके बाद यहाँ पे एक्सेलरेशन और टाइम गिवन था, तो यहाँ पे सेफ ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस उसने कैलकुलेट किया d1 + d2 + d3 और यहाँ पे फॉर्मूला लगा के उसने यहाँ पे सारी वैल्यूज को यहाँ पे इनपुट कर दिया. टाइम की वैल्यू फाइंड आउट की और यहाँ पे सेफ ओवरटेकिंग डिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पे उसने डायग्राम भी बना लिया, इसलिए यहाँ पे इसको 15 में से 15 मार्क्स मिले. अब मैंने क्या किया वो देख लेते हैं. तो मैंने देखिए यहाँ पे सबसे पहले टाइम की वैल्यू फाइंड आउट की और जो हमारा स्पेस हेडवे होता है मैंने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की. फिर यहाँ पे मैंने ओवरटेकिंग यानी कि ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का यहाँ पे फॉर्मूला लगाया और सारी वैल्यूज को इनपुट किया और यहाँ पे मैंने OSD को कैलकुलेट किया. फिर यहाँ पे मैंने डिजायरेबल OSD आपको कितना रखना चाहिए वो कैलकुलेट किया और यहाँ पे मिनिमम OSD आपको कितना रखना चाहिए वो कैलकुलेट किया और यहाँ पे मैंने इसका प्रॉपर डायग्राम्स भी बनाए साइन पोस्ट के साथ में और इस क्वेश्चन में मुझे 15 में से 15 मार्क्स मिले. फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी, नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे स्लीपर, लिस्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनीवन. यानी कि यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लीपर्स कौन कौन से होते हैं आपको वो लिखने थे और किसी भी एक स्लीपर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना था. तो यहाँ पे देखिए टॉपर ने 4 टाइप्स के यहाँ पे स्लीपर्स लिखे और यहाँ पे एडवांटेजेस लिखे, इसमें यहाँ पे कॉन्क्रीट स्लीपर्स के और यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस लिखे. तो यहाँ पे इसको यहाँ पे कितने मार्क्स मिले, 15 में से इसको यहाँ पे टोटल 12 मार्क्स मिले. और मैंने क्या किया वो देख लेते हैं. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का बी, मैंने भी यहाँ पे 5 टाइप के स्लीपर्स के नेम्स लिखे और यहाँ पे कॉन्क्रीट स्लीपर्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिखे. तो यहाँ पे मुझे 15 में से 13 मार्क्स मिले. फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का सी, डिजाइन अ रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक फॉर द कैपेसिटी ऑफ 3 million liters per day with the detention period of 4 hours and the velocity of flow of 10 centimeter per minute. यानी कि यहाँ पे आपको एक सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन करना था. तो यहाँ पे देखिए टॉपर ने क्या कैलकुलेट किया है, टॉपर ने यहाँ पे पहले इस डिटेंशन टाइम को लीटर्स पर आर में कैलकुलेट किया, फिर कैपेसिटी लीटर्स फाइंड आउट किया, फिर इसने यहाँ पे डेप्थ ऑफ टैंक यहाँ पे कुछ भी लेजूम कर लिया, उसको यहाँ पे सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लिया, फिर यहाँ पे लेंथ रेशियो विड्थ का रेशियो लेके यहाँ पे इसने कुछ भी गड़बड़ कर दी यहाँ पे, इसलिए इसको यहाँ पे सिर्फ 12 मार्क्स मिले 15 में से. और मैंने क्या किया वो देख लेते हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सी में आएंगे. तो यहाँ पे देखिए डिजाइन है रेक्टेंगुलर सेडिमेंटेशन टैंक. तो यहाँ पे वेलोसिटी गिवन था, तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ टैंक फाइंड आउट किया, फिर मैंने यहाँ पे अज्यूम हाइट किया, फिर अज्यूम हाइट करने के बाद मैंने यहाँ पे एरिया को कैलकुलेट किया, फिर लेंथ टू विड्थ का रेशियो दिया और यहाँ पे लेंथ और विड्थ की हाइट फाइंड आउट की और यहाँ पे सेडिमेंटेशन टैंक को डिजाइन कर दिया. तो यहाँ पे भी मुझे कितने मार्क्स मिले, 15 में से सिर्फ 12 मार्क्स मिले. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का डी, लिस्ट द मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन, राइट नोट ऑन डिसइंफेक्टेंट बाय यूवी रेज. यानी कि यहाँ पे आपको मेथड्स ऑफ डिसइंफेक्शन लिखने थे आपके वाटर के और यहाँ पे डिसइंफेक्शन बाय यूवी रेज के बारे में लिखना था. तो यहाँ पे देखिए इसने 3 मेथड्स लिखे और यूवी रेज के बारे में यहाँ पे कुछ डिसइंफेक्शन के पॉइंट्स लिखे. तो इसको यहाँ पे 15 में से सिर्फ 6 मार्क्स मिले. तो मैंने क्या किया वो देख लेते हैं. तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन लिखे, फिर यहाँ पे जो हमारा डिसइंफेक्शन बाय यूवी रेज होता है उसके बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे. तो यहाँ पे मेरे को 15 में से 9 मार्क्स मिले. तो अब तक यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे ही क्वेश्चन से मुझे क्या टॉपर से ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं. लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें भी मैंने काफी गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से मेरे आगे के क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में काफी कम मार्क्स मिले, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. अब क्या क्या वो क्वेश्चन थे मैं आपको दिखाता हूँ. तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपर्स पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट देखते हैं. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट क्या था, डिटरमाइन द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन फॉर द कैंटिलीवर लेंथ ऑफ 5.5 मीटर लोडेड विद द प्योर मोमेंट ऑफ 40 किलोन्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज एक्टिंग एट 4 मीटर फ्रॉम फिक्स्ड एंड पॉइंट लोड ऑफ 10 किलोन्यूटन एक्टिंग अपवर्ड एट फ्री एंड. तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना था, सिंपली जो शियर फोर्स डायग्राम होता है और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होता है आपको वो कैलकुलेट करना था. तो यहाँ पे देखिए टॉपर ने क्या किया, सिंपली यहाँ पे जो रिएक्शन फाइंड आउट किए, फिर मोमेंट्स फाइंड आउट किए, फिर शेयर फोर्स फाइंड आउट किए और बेंडिंग मोमेंट्स फाइंड आउट किए बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे. और सिंपली यहाँ पे इसने शेयर फोर्स डायग्राम और पेंटिंग मोमेंट डायग्राम को बना दिया और इसको यहाँ पे पूरे 30 में से 30 मार्क्स होंगे। लेकिन मुझसे यहाँ पे गड़बड़ क्या होगी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का ए, तो यहाँ पे देखिए ये टर्म दिख रहा है आपको बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इस टर्म में मैं क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया, इसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। तो ये जो इक्वेशन टर्म है इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया। जैसा कि आपको पता होगा जो हमारा मैकॉलेज मेथड होता है, स्ट्रेन एनर्जी मेथड होता है और जो हमारा कॉन्जुगेट बीम मेथड होता है, एरिया मोमेंट मेथड होता है, इन सब में हम क्या करते हैं, पहले जो हमारा एक्स के टर्म्स में क्या लिखते हैं, हमारा जो पूरा शेयर फोर्स होता है, बेंडिंग मोमेंट होता है, उसके इक्वेशंस लिखते हैं एक्स के टर्म में। और यहाँ पे जो एक्स होता है वो होता है डिस्टेंस। फिर यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस होता है हमारी बीम का उसके हिसाब से हम वैल्यूज को पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो वो टाइप का क्वेश्चन कभी भी हमारे एसएससी जेई में कभी नहीं आया था, तो मैंने उसको प्रैक्टिस करके नहीं गया था। तो यहाँ पे जब मैंने इक्वेशन टर्म को देखा तो मुझे लगा कि मुझे वही टाइप से सॉल्व करना है, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे आपको सिंपली शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना था। लेकिन यहाँ पे इक्वेशन टर्म को देख के मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया और यहाँ पे मुझे पूरे 0 मार्क्स मिले, इसलिए मेरा यहाँ पे 30 मार्क्स चला गया। नहीं तो मुझे एसएफडी और बीएमडी बनाना तो इसलिए आता था। और यहाँ पे टॉपर को यहाँ पे 30 में से 30 मार्क्स मिले, सिर्फ इसने एसएफडी और बीएमडी को बना दिया। तो आपको भी यहाँ पे याद रखना है कि आपके पास शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपली आपको क्या करना है, शेयर फोर्स डायग्राम बनाना है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के आ जाना है। वहाँ पे इक्वेशन लिखा हो या ना लिखा हो, सिंपली आपको शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना के आ जाना है। मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हो गई जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे पूरे 30 मार्क्स चले गए। और जैसे कि मैंने वहाँ पे इंक्लूडेड एंगल वाले में बताया, वहाँ भी एकदम छोटी की गलती की वजह से मेरे कितने मार्क्स चले गए, 20 मार्क्स चले गए, यानी कि अब तक मेरे को 50 मार्क्स मेरे फालतू के चले गए हैं। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट देखिए, यहाँ पे क्या गड़बड़ होगी मुझसे, इसमें भी मुझसे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। वो क्या गड़बड़ होगी मैं आपको दिखाता हूँ। अ सिंगली रेनफोर्स बीम 250 mm वाइड एंड 380 mm डीप टू द सेंटर ऑफ रेनफोर्स बार विद 3 बार्स ऑफ 18 mm डायमीटर determine the depth of neutral axis and the maximum stress in concrete when the stress in steel is 150 Nm/mm²। और यहाँ पे m की वैल्यू गिवन थी, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पे आपका जो कॉन्क्रीट है उसके अंदर कितना स्ट्रेस डेवलप हो रहा है आपको उसको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे सिंपली एएसटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने के लिए कंप्रेसिव फोर्स इज इक्वल टू टेंसाइल फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे जो एक्स है वो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी। फिर सिंपली क्या करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला होता है इसमें कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस इन कंक्रीट है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारे टॉपर ने भी यहाँ पे वही किया और उसको यहाँ पे 15 में से कितने मार्क्स मिले, यहाँ पे 12 मार्क्स मिले, क्योंकि यहाँ पे इसकी सिग्मा सी की वैल्यू में कुछ गड़बड़ थी। यहाँ पे 6 Nm/mm² नहीं आने वाला था, यहाँ पे कुछ और वैल्यूज आने वाली थी, इसलिए यहाँ पे इसको 15 में से सिर्फ 12 मार्क्स ही मिले। अब मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ कर दी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने भी कंप्रेशन फोर्स इज इक्वल टू टेंशन फोर्स लगाया और सारी वैल्यूज को पुट किया। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो मैंने एक्स है यानी कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है उसकी जगह पे यहाँ पे गलती से क्या लिख दिया, यहाँ पे इफेक्टिव कवर का डीसी लिख दिया और यहाँ पे डायरेक्टली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्स की जगह पे यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो जो मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो यहाँ पे रॉन्ग आ गया। तो देखिए जो टॉपर का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आया था वो कितना आया था, 139.9 mm आया था और मेरा कितना आया था, 168.74 mm आया था, जिसकी वजह से ये जो हमारा फॉर्मूला है इस फॉर्मूले में मैंने जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस की वैल्यू है वो रॉन्ग लिखी और जिसके कारण यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेस इन कंक्रीट है वो भी क्या है यहाँ पे रॉन्ग आया। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी गलती, यहाँ पे मैंने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जगह यहाँ पे क्या लिख दिया, इफेक्टिव कवर लिख दिया और यहाँ पे उसको उसके साथ सॉल्व कर दिया, इसलिए यहाँ पे मेरा डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रॉन्ग आ गया। इसकी वजह से मेरे यहाँ पे पूरे 15 के 15 मार्क्स चले गए, यानी कि अब तक यहाँ पे छोटी छोटी गलतियाँ करने की वजह से मेरे टोटल कितने मार्क्स चले गए हैं, 65 मार्क्स मेरे ऐसे ही चले गए। फिर अब क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी पार्ट में क्या करना था आपको, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रेनफोर्स कॉन्क्रीट शॉर्ट कॉलम 600 mm बाय 600 mm सेक्शन, इट इज एनफोर्स विद 16 बार्स ऑफ 20 mm फाइव as longitudinal reinforcement, use M20 concrete in FE415, adopts limit state method। तो यहाँ पे आपको limit state method करके यहाँ पे ultimate load carrying capacity of concrete column को कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पे देखिए टॉपर ने क्या किया, पहले एरिया ऑफ स्टील इन कॉन्क्रीट कैलकुलेट किया, फिर एरिया ऑफ कॉन्क्रीट कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पे ई मिनिमम जो होता है उसने वो कैलकुलेट किया, फिर यहाँ पे जो हमारा अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है 0.4 FCK × AC + 0.67 FY × ASC, तो यहाँ पे उसने फॉर्मूला लिखा और सारी वैल्यूज में यहाँ पे पुट किया। फिर अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे उसने लिख दी, यही थी हमारी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो इसको यहाँ पे 15 में से 15 मार्क्स मिले। अब मैंने यहाँ पे क्या किया वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5C में जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही एक्सेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर ली, फिर एरिया ऑफ स्टील फाइंड आउट किया, फिर अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ कॉलम के फॉर्मूला लगाया और उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट किया। फिर मैंने यहाँ पे जो लैटरल टाइज होता है उसका डायमीटर क्या होना चाहिए वो भी कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे स्पेसिंग क्या होनी चाहिए मैंने वो भी कैलकुलेट कर लिया। तो मुझे भी यहाँ पे 15 में से 15 मार्क्स मिले। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6A पार्ट था, यहाँ पे आपको लिस्ट द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी, यानी कि जो फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी है आपको यहाँ पे वो लिखना था, और यहाँ पे 30 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे टॉपर ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी, फिर यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी इसने लिखी। टोटल यहाँ पे H पॉइंट्स यानी कि यहाँ पे इसने 8 पॉइंट्स लिखे और इसको यहाँ पे 20 मार्क्स मिले 30 में से। फिर मैंने क्या किया वो देख लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिस्ट ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी स्टार्ट किया, और मैंने यहाँ पे फैक्टर अफेक्टिंग वर्कएबिलिटी में 6 पॉइंट तक लिखा, 7 पॉइंट्स में मैंने सिर्फ यहाँ पे 6 पॉइंट्स लिख दिया, उसको एक्सप्लेन नहीं किया, और यहाँ पे मुझे 80 मार्क्स मिले 30 में से। तो ये भी अच्छे ही मार्क्स है थ्योरी के हिसाब से। फिर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी गड़बड़ मैंने एक और यहाँ पे कर दी है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6B, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया and Z of the steel section given below, what is the maximum bending moment that it can carry safely? Assume that the value of yield stress F5 for the structural steel is 250 Newton per mm²। तो यहाँ पे आपको सेक्शन मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और यहाँ पे मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। तो यहाँ पे देखिए टॉपर ने क्या किया, सबसे पहले इसने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट की जो कि टोटल डेप्थ को डिवाइड कर बाय 2 कर दिया। फिर इसने डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट किया है a1y1 plus a2y2 plus a2y3 upon a1 plus a2 plus a3 का फॉर्मूला लगा के, और इसने यहाँ पे डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पे मोमेंट इनर्शिया पूरे कंपोजिट मेंबर का इसने यहाँ पे कैलकुलेट किया। फिर यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला लगाया i upon y, और यहाँ पे सेक्शन मॉडुलस को कैलकुलेट कर लिया। फिर यहाँ पे फ्लेक्सुरल फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इसने मोमेंट्स को भी कैलकुलेट कर लिया। तो इसको यहाँ पे इसकी जो वैल्यूज है इसमें यहाँ पे इसने मुझे गड़बड़ कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे इसको सिर्फ 24 मार्क्स मिले आउट ऑफ 30। और मैंने यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ क्या कर दी वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमको 30 में से कितने मार्क्स मिले, 7 मार्क्स मिले। यहाँ पे मैंने गड़बड़ क्या कर दी मैंने वो आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो वायर डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस था मैंने भी यहाँ पे सेम फॉर्मूला लगाया, और यहाँ पे देखेंगे तो ये जो सारी वैल्यूज है मैंने वो भी सारी वैल्यूज को सेम लिखा है। तो देखिए यहाँ पे 250 × 38 × 19, तो यहाँ पे देखिए 250 × 38 और 38 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना है 19। तो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है, इसने डायरेक्टली लिख दिया है। तो यहाँ पे देखिए 300 × 25 × 188, तो मैंने भी यहाँ पे लिखा 300 × 25 × 300/2 करेंगे तो कितने का 150 प्लस 38 188। फिर यहाँ पे देखिए 38 × 150, तो यहाँ पे देखिए 150 × 38, फिर यहाँ पे 357, तो यहाँ पे देखिए 300 + 30 करेंगे तो 338, फिर 38 ÷ 2 करेंगे तो 19 आता है, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 357 ही आएगा। फिर यहाँ पे सेम मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, सेम वैल्यू से दिखे नीचे भी, और इसको जब इसने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या आई 159.71 mm आई, लेकिन मेरी वैल्यू क्या है 91.91 आई, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब हम कैलकुलेटर में वैल्यूज ऐड कर रहे थे तब मैंने वहाँ पे शायद से कुछ गलती कर दी, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरा जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है वो रॉन्ग आ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सारी वैल्यूज रॉन्ग आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो मेरा सेक्शन मॉडुलस है वो भी रॉन्ग आ गया, और यहाँ पे मेरा बेंडिंग मोमेंट है वो भी रॉन्ग आ गया। यानी कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से मेरे यहाँ पे पूरे 30 में से मुझे 7 मार्क्स मिले, यानी कि यहाँ पे मेरा 23 मार्क्स का लॉस हो गया। तो पहले के 65 और यहाँ पे 23 मार्क्स, तो टोटल कितने होते हैं 88 मार्क्स होते हैं। और मुझे CBWD में सिलेक्शन के लिए कितना चाहिए था, सिर्फ 66 मार्क्स चाहिए था। यानी कि अगर ये जो 88 मार्क्स है अगर वो मुझे पूरे मिल जाते तो यहाँ पे मेरा CBWD में इजिली सिलेक्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी गलतियों की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया CPWD में, और ना ही मेरा SSC JE मेंस 2020 के लिए मैं यहाँ पे क्वालिफाई कर पाया, क्योंकि जो हमारा SSC JE मेंस 2019 का मेंस पेपर था वो था 21 मार्च 2021 को, और जो हमारा SSC JE का प्रीलिम्स था 2020 का वो था 23 मार्च 2021, यानी किसी 2 दिन के गैप में मेरे को मेंस और प्रीलिम्स पेपर को दोनों को देने का था। तो मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ पे SSC JE 2020 के प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसमें कि मुझे यहाँ पे सिर्फ 120 मार्क्स आए थे, और वहाँ पे जो कट ऑफ था वो कुछ ज़्यादा था, जिसकी वजह से मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए मैं 2020 के मेंस के लिए भी क्वालिफाई नहीं हो पाया। अब जैसा कि आपको पता है जो एसएससी जेई में 2021 है वो होने वाला है मार्च 2023 में। तो यहाँ पे देखा आपने कैसे छोटी छोटी गलतियों की वजह से यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप भी जब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर एक स्टेप्स को अच्छे से ध्यानपूर्वक करना है और हर एक कैलकुलेशन को भी एकदम परफेक्ट करना है। और जो भी आप वैल्यू यहाँ समझ लीजिए, यहाँ ऊपर की वैल्यू नीचे लिख रहे हैं तो एकदम करेक्ट वैल्यूज लिखिएगा ताकि यहाँ पे आपको कोई गड़बड़ ना हो, जैसे कि मेरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के बी में मेरा क्या हो गया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे मेरे 23 मार्क्स चले गए। क्वेश्चन नंबर 5 के बी में क्या हो गया गड़बड़, यहाँ पे मैंने एक्स की जगह पे डीसी लिख दिया, उसकी वजह से मेरे यहाँ पे पूरे 15 के 15 मार्क्स चले गए। तो 23 और 15 28 मार्क्स चले गए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए, यहाँ पे जो इक्वेशन टर्म था इसकी वजह से मैं कंफ्यूज हो गया और यहाँ पे मेरे पूरे 30 के 30 मार्क्स चले गए, यानी कि पूरे 58 मार्क्स चले गए। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर डी में क्या हो गया मेरे से गड़बड़, ये जो 302 मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया था और गलती से मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 320 लिख दिया, यानी कि 302 की जगह पे मैंने यहाँ पे 320 लिख दिया। तो यहाँ पे भी मेरे पूरे 15 मार्क्स चले गए। तो यहाँ भी पूरे मेरे 20 मार्क्स चले गए, यानी कि टोटल पूरे मेरे 88 मार्क्स का यहाँ पे लॉस हो गया। नहीं तो आज मेरा सिलेक्शन CPWD में होता और मेरे घर वाले मुझ पर प्राउड होते हैं। तो आई होप आपको ये मेरी सारी गलतियाँ समझ में आ गई होंगी और जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो आप ये सारी गलतियों को दोहराना मत, ताकि आपका भी सिलेक्शन हो जाए और आप मेरी तरह पछताए नहीं। तो मेरे SSC JE मेंस की कॉपी को डिटेल एनालिसिस के बाद आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो मेरा प्रिपरेशन का स्ट्रेटजी था वो एकदम परफेक्ट था, लेकिन यहाँ पे जो मेरी सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हैं और कुछ वैल्यूज़ मैंने गलत लिख दी, उसकी वजह से यहाँ पे मुझे मार्क्स नहीं मिले। तो आपको अगर जानना है कि मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या है तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में देखेंगे, SSC JE के नाम से एक प्ले लिस्ट है, वहाँ पे मैंने पूरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को शेयर किया है कि मैंने कौन सी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को फॉलो की और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को कैसे एनालाइज करके एक खुद का क्वेश्चन पेपर बनाया था, जिसके हिसाब से हर एक क्वेश्चन में कौन से सब क्वेश्चंस आने वाले हैं उसका मैंने प्रिडिक्शन किया हुआ है। तो आप जाके वो वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।